होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत राजपूत, फूड ब्लॉग चैनल में फिर से स्वागत। दोस्तों मैं अभी दो दिन से पंजाब में हूँ, लुधियाना शहर और पिंड का नाम है जसर पिंड। तो शाम को ऐसे घूमने के लिए निकला, सोचा कुछ खाया जाए, आप लोग के साथ वीडियो शेयर किया जाए दोस्तों। और दोस्तों जो ये नज़ारा है ना शाम को घूमने का, और अभी समय हो रहा है, मैं बताऊँ तो आपको 5:50 हो गए शाम के। मैं दिखाऊँ आपको, देखिए अभी बर्गर वाली दुकान पे आया हूँ, बर्गर खेला तो आज बर्गर खाते हैं। और देखते हैं कैसा टेस्ट है इसका, जो बढ़िया बनता वही बना देते हैं। मैं 10-15 मिनट तो खड़े हैं, कितने की चले गए वीर, कितने चले गए। मैं 10-15 मिनट तो खड़े हैं, कितने की चले गए वीर, कितने चले गए। मैं क्या खा खा ही जाना फिर, केड़ा एरिया भाई। मैं उड़ीसा तो वीर, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर? हाँ जी भुवनेश्वर। घर इतनी है, बाकी काम कुम इतनी चलता। अच्छा, फोन का टाइमिंग की है ब्रे? मेरा? हाँ जी मेरा 4 बजे कट लेना, मेरा मोबाइल का काम। अच्छा, हूँ 4 बजे तो चालू होना बर्गर दुकान, और 4 बजे कितने बजे तक? 8:30। 4 बजे से लेकर 8:30 तक। भेल बटाटा नूडल पिज्जा अच्छा, आलू की टिक्की है ना। अच्छा बढ़िया बना दूंगा बस। चटनी ब्रे? ये खट्टी मीठी चटनी होती है। अच्छा अच्छा, ये सारा करी बनाने आप? कैचअप? अच्छा ये तो है। ये कहते हैं विनोस माइनस माइनस है। किन्ने अंडे पाए ब्रेज? एक अंडा पाया। अच्छा जी, आ की पाया थे? अच्छा ठीक है जी। 1000 जी जी सैलड जी ब्रेज। थैंक यू ब्रे, टेस्ट तो बढ़िया है दोस्तों, बहुत अच्छा लगा खाकर। और इसमें अंडा डाले हैं, आलू टिक्के डाले हैं, मोमोज वगैरह सब डाले हैं, और अच्छा बनाए। वैसे दोस्तों भूख भी बहुत जोर से लगी थी, और खाकर मज़ा आ गया। बस भैया ने अंडा डाला, पनीर डाला, और आलू टिक्के डाला, और बहुत कुछ डाला, बढ़िया अच्छा लगा बर्गर, और स्वाद भी बहुत अच्छा था। और 40 रुपये इसका रेट था दोस्तों। तो ये छोटी सी वीडियो थी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द फिर एक नए फूड रिलेटेड वीडियो के साथ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।